हमारे यहाँ रिवाज होता है कि लड़की चाहे सारी दुनिया में घूम ले, लेकिन लड़के को ना दिखाई जाए या ससुराल वालों को ना दिखाई जाए। और ये दरअसल हमारे यहाँ हिंदू कल्चर से आया है, तो उसको रद्द किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह के मौके पर या निकाह से कबल लड़के को लड़की के देख लेने पर तवज्जो दिलाई। यहाँ एक सवाल ये पैदा होता है कि ये क्यों नहीं कहा कि लड़की भी लड़के को देख ले, क्योंकि ये आता है कि शख्स ने निकाह का इरादा किया तो आपने फरमाया तुमने लड़की को देखा है, खुद भी अब आपकी जिंदगी से भी मिलता है, लेकिन लड़की का नहीं कहा गया कि लड़की भी देखे। ये कहा गया कि लड़की से पूछा जरूर जाए, इसलिए कि लड़की का लड़के को देखना कोई मुश्किल नहीं। बुखारी की एक रिवायत है कि हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से कहती है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने तुम्हें ख्वाब में देखा, दो मर्तबा जिब्रील ने तुम्हें मुझे दिखाया और वो रेशम के टुकड़े में लपेट कर तुम्हें लाया, और मैंने जब चेहरे से रेशम हटाया तो मैंने देखा कि वो तुम थी। उस वक्त मैंने सोचा कि अगर अल्लाह ताला को ये काम मंजूर है तो वो खुद ही इसको कर देगा। इससे क्या पता चलता है कि अगर असल में देखना मुमकिन न हो तो तस्वीर भी देखी जा सकती है, क्योंकि ख्वाब में एक तरह से छवि दिखाई गई थी। जब तक निकाह नहीं है तो वो तो फिर माँ बाप की मौजूदगी में या किसी बहन भाई की मौजूदगी में ही बातचीत हो सकती है, लेकिन निकाह के बाद फिर माँ बाप के पास कोई इख्तियार नहीं है, वो उसको ले जा सकता है जितनी दफा चाहे ले जाए उसमें फिर, क्योंकि शादी में असल है ही निकाह, असल है ही निकाह। जब निकाह हो गया तो फिर तो कुछ भी नहीं, लड़का लड़की जैसे साल भर मिलते रहे अच्छे अच्छे कपड़े पहन के तो वो नहीं आएगा, लेकिन ये है कि जो इंसान की असलियत होती है ना वो कहीं ना कहीं से जाहिर हो जाती है। और फिर एक और बात ये कि अगर वो हमारे साथ बर्ताव क्या है दो चार मुलाकातों में नहीं पता चलेगा, उनका अपने खानदान के साथ बर्ताव क्या, यानी जो रिश्तेदार आके ये कहना कि हम रिश्ता करने लगे लेकिन हमारे रिश्तेदारों को ना बताना और उनसे ना पूछना, वही दाल निकाला है, क्योंकि उनके अखलाक की गवाही कौन देगा उनके करीब।